तो आज देखिए आज का मौसम है जो वह यार प्रचंड गर्मी करीब जाएगा, टेम्परेचर 44 तक। तो मॉर्निंग में थे बादल आसमान में, लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है। इससे आदि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आई होप आई एम वेल एंड यू ऑल आर ऑल्सो वेल। तो अभी अभी क्या है कि थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलने लग गया, तो थोड़ा अभी केयर करना, तुरंत एकदम से बाहर मत निकलना, चाहे कोई मेरे दोस्त ब्लॉगर हैं चाहे कोई लोग भी हैं, क्योंकि अभी क्या है कि एकदम से कोरोना दोबारा भी फैल सकता है। तो इसलिए अगर आपको ज़रूरी काम से जाना है तो थोड़ा आप आराम से, मतलब अपनी पूरी सेफ्टी लेके जाइएगा। तो अभी हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ पहले ब्रेकफास्ट। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में निहारिका ने आज क्या बनाया हुआ है। तो ये है वेज आमलेट, निहारिका ने बनाया हुआ है चावल के आटे का चीला, और इसी ने बनाई हुई है आम की चटनी, और ये आम का अचार भी उसी का बना हुआ है, साथ में है कुछ फ्रूट में पपाया। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेकफास्ट करके थोड़ा एनर्जी लेके फिर अभी बहुत सारे काम करने हैं आज पूरे दिन भर के सेटअप पे, क्योंकि शादी से पहले की ज़िंदगी काफ़ी अलग होती है और शादी के बाद की ज़िंदगी काफ़ी चेंज हो गई है। क्योंकि मेरा नाश्ता जो होता था दिन के 12 बजे होता था, आज सुबह 9 बजे मिल गया, तो ये सारा फ़ायदा था। और कुछ है, नुकसान भी काफ़ी हैं और फ़ायदे भी हैं। अभी तो खैर फ़ायदे फायदे दिख रहे हैं, नुकसान बाद में दिखाई देंगे, हो सकता है। एक्चुअली क्या था, पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं लेके आया था ये चार पेड़। पहले से तीन पेड़ थे मेरे पास, लेकिन कल मैं दो गुलाब का, एक ये येलो कलर का और एक ये वाला येलो कलर का और ये रेड कलर का, इसमें जो लगा था गुलाब वो नीचे गिर गया। और एक लाए हम लोग पर्पल कलर का गुलड़ और एक रेड कलर का गुलड़। तो फिलहाल जब मैं पहले इन दो गमलों के लिए मिट्टी लेने गया था तो 5 किलो में दोनों गमले भर गए थे। तो ये थोड़े इस बार जो गमले थे वो बड़े साइज़ के आ गए, तो मैं 6 किलो मिट्टी लेके आया था, लेकिन क्या हुआ कि मिट्टी थोड़ी हो गई है कम। चलो अभी हमने पेड़ लगा दिए हैं, जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो हम इसमें मिट्टी ऊपर तक पूरा भर देंगे। ये आज सुबह मैं पहले सुबह मॉर्निंग में गमले लेके आया, ये गमला करीब है मुझे 100 रुपये के दोनों ये गमले मिले, और वो भी पहले मैं 100 रुपये के दोनों लेके आया था, लेकिन इस बार उसने मुझे डिस्काउंट दिया क्योंकि मैंने 3-4 गमले ले लिए हैं। तो इस बार उसने मुझे दो बड़े वाले 100 रुपये के ले लिए आसानी से। तो सुबह मैं गमले लेके आया था, पेड़ मैं कल लेके आ गया था, तो ये पेड़ तो खैर गमले में लगे हुए हैं, अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो इनको भी बड़े गमले में लगाएंगे, अभी फ़िलहाल इसमें लग जाएंगे, ऐसा गार्डन वाले ने बोला है। तो इन दो गमलों को आज सुबह परचेज करके लाया, फिर मिट्टी लेके आया, फिर ये सब मैंने इसमें पेड़ लगाए। तो ये आज के दिन की शुरुआत हुई है बहुत अच्छी वाली, अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो ये था कुछ ग्रोसरी का सामान जो हमने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, यहाँ रख दो, इधर ही रख दो, बाहर निकाल दो। पूरे 43 आइटम होंगे ना? हाँ 43। हाँ तो ये आ गया पूरे महीने भर की ग्रोसरी। अभी क्या होता है कि फ्लिपकार्ट से हम लोग जब सामान लेते हैं ना, फ्लिपकार्ट से सामान लेते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब बेनिफिट है। जैसे 1 रुपये में हमको एक घी का डिब्बा मिल जाता है, 1 रुपये में बादाम का पैकेट मिल जाता है, 1 रुपये में 1 किलो आटा मिलता है, ऐसे मतलब 5-6 आइटम जो होते हैं वो 1-1 रुपये में मिल जाते हैं। और जो मार्केट रेट से थोड़ा क्या है कि 10-10 रुपये थोड़ा लेस मिलता है। जैसे मार्केट में 180 रुपये का तेल है फॉर्चून का, तो उसमें क्या है कि करीब वो 170 रुपये का मिल जाता है। तो ऐसा कुछ मतलब फ्लिपकार्ट का हमें, मैं पिछले जब से कोरोना चल रहा है तो फ्लिपकार्ट से मंगा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत बेनिफिट तो है खरीद के। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी किन्नी किन्नी कुछ चीज़ों में फ़र्क होता है, जैसे लोकल जो मार्केट में दुकानदार होते हैं उनसे कोई किसी किसी आइटम में इनका रेट ज़्यादा भी रहता है। तो आप ऐसा कुछ आइटम यहाँ से भी ले सकते हैं, कुछ आइटम मार्केट से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ये है। तो ये एक काम जो आज का था, ये सामान के रिसीविंग करने का, ये भी मैं थोड़ा बहुत आपको ऐसे ही बता दिया कि 1-1 रुपये का आइटम 1000 रुपये के सामान खरीदने तक आप आराम से मंगा सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ऐसे लैपटॉप रखा हुआ है ऐसा अपना, और इधर वाईफाई कनेक्शन है जो मेरा। तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे सब होम थिएटर ये सब लोग सब चीज़ों के तार बार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी ये टेबल ऐसी टेम्प्रेरी मैंने लगाई हुई थी, पहले तो मैं ऐसे जमीन रखता था, अब सब शादी हो गई है तो अब थोड़ा बहुत सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ऑर्डर की है एक टेबल फ्लिपकार्ट से जो आ गई है। तो ये फ्लिपकार्ट से मेरे पास ऑर्डर आ चुका है, अभी इसे आज दिन में इंस्टॉल करने के लिए एक बंदा आएगा, वो इंस्टॉल करेगा, तो मैं आपको उसका इंस्टॉल करने का सेटअप जो है दिखाऊंगा। तो निहारिका डाल ली चावल, और इसे मैं चेस बाद
ये चेस भात है और ये है बड़ी साग और ये बनाया है सलाद चुकंदर और खीरे का। उधर उसकी आम की अट्टी जो सुबह से रखी हुई है तो सुबह नाश्ते में खा रहा हूँ खा रहे हैं। ये आज का है लंच हमारा पहाड़ी स्टाइल का खाना। मैं आज पूरे दिन भर खाता हूँ दिन भर और प्रचार फिलहाल चल रहा है लैपटॉप में फैमिली में तो फाइनली जो सेटअप हुआ है वो यहाँ पे एक स्पीकर लगा था, यहाँ पे एक स्पीकर लगा था और पूरा साउंड बार लगा था इसके नीचे। उसकी वजह से क्या होता कि इनकी तार की वजह से पूरा बहुत बेकार दिखाई देता। तो अब ये लगा दी है टेबल मैंने यहाँ पे, तो एक स्पीकर यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा स्पीकर यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे लैपटॉप रखने की भी आ गई और यहाँ पर वाईफाई वाला मेरा आ गया और वूफर मेरा यहाँ पर आ गया और उसके पीछे आ गया साउंड बार। और फिलहाल मैं देख रहा हूँ अमेजन प्राइम वीडियो में द लास्ट टावर, बहुत ज़बरदस्त वेब सीरीज है। अभी तक मतलब कहानी काफ़ी अच्छी लग रही है लेकिन आगे देखो क्या कैसा होगा। अभी तो मुझे फिलहाल अच्छा लग रहा है तो मैं इसे देख रहा हूँ, अभी चौथा एपिसोड चल रहा है तो अभी मैं इसे फिलहाल इसे देख रहा हूँ। तो ये है मेरा पूरा सेटअप जो फ्लिपकार्ट वाले आज इंस्टॉल करके गए हुए हैं। उससे नहीं यार क्या ये पहले तो मेरी थी बेहतर लाइफ, तो कोई भी चीज़ें कहीं भी फैली रहती थी। अब क्या है कि थोड़ा जब से शादी हुई है तो तब से मैं भी ये सोच रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा बहुत अब सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि पहले कोई आता नहीं था। अभी क्या है कि जैसे शादी होगी तो कोई कभी कोई आ गया कभी कोई बोलेंगे अपने कैसे रहते हैं ये लोग। तो अब क्या है कि मैं धीरे धीरे उससे नियार के आई तो उससे सजेशन लेके धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं सेटअप अपनी गृहस्थी का। तो आज ये टेबल मंगाई थी, कुछ दिन बाद कुछ और ऐसे करके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता रहेगा लाइफ में। क्या क्या और कुछ खरीदना है? अभी जो टेबल ले लिया मेरे से अभी जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे सो अच्छी आ रही है और जो मेरी तार बार थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। अभी तक मतलब ऐसा था कि फैला फैला दिखाई दे रहा था चारों ओर, इतने सारे तार दिखाई दे, लगा कि पूरा बिजली का ही बना हुआ है। अब वो वाला हिसाब किताब नहीं। तो अब निहारिका और मैं धीरे धीरे अपने कपल्स के गोल के टारगेट पूरे करते जा रहे हैं और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आते रहेगा हर जगह पे, घर के सेटअप पर भी और शायद ब्लॉग पर भी कुछ ना कुछ सेटअप, मतलब नया जैसे ब्लॉग डालेंगे तो उस पर भी कुछ ना कुछ। क्योंकि अभी निहारिका को थोड़ी साई है तो भूलती बहुत कम है, इतना कम भूलती है तो कैमरे के सामने में आके तो उसके मुंह बंद होता है एकदम से। तो धीरे धीरे इसको आदत पड़ जाएगी तो फिर ब्लॉग भी चाहेंगे कब तक थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया मेरी जगह पे खुद ही। और शायद हम इसका यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दें खाने वाला, क्योंकि खाना काफ़ी अच्छा बनाती है। तो आपने ब्रेकफास्ट देख ही लिया था कि कैसा इसका ब्रेकफास्ट बनाया था, वो ऐसे मतलब ऐसा बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं तारीफ क्या करूँ, तो जब भी कभी आप लोग आओगे मेहमान नवाजी की आएगी तो सबसे आपको खाना खिलाया जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि खाना कितना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, कहीं निहारिका में घूमने जाएंगे तो वो ब्लॉग डालेंगे या कुछ नया इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने घर पे तो वो कुछ ऐसा ब्लॉग आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय जोहोमी जय जो उत्तराखंड।